नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की टेक न्यूज पे। पहला अपडेट हमारे पास निकल के आता है व्हाट्सअप की तरफ से। भैया व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज तो सभी फॉरवर्ड करते हैं, हमें भी फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, हम भी बिना देखे उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसको लेके व्हाट्सअप के जो नए अपडेट जो हैं उसके अंदर हमें दो ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एक तो फॉरवर्ड इन्फो का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे हमें ये पता लग पाएगा कि ये मैसेज कितनी बार फॉरवर्ड किया गया है। और दूसरा ऑप्शन, यदि कोई मैसेज जो है बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो है एक हमें लिखा हुआ आएगा फ्रिक्वेंटली फॉरवर्डेड। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इससे हम व्हाट्सएप जो है तो बाकी भी काफ़ी सारी जो है अपडेट्स लेके आ रहा है, काफ़ी सुधार कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आता है भैया वीवो के V15 Pro को लेके। वीवो के V15 Pro का छोटा भाई वीवो V15 लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, और ये इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस फ़ोन के अंदर जो है V15 Pro और V15 के अंदर क्या डिफरेंस होने वाला है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आपको बता देता हूँ। जो V15 Pro था इसके अंदर स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर था, लेकिन जो V15 है इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा हीलियो P70 प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, रियर फिजिकल जो है वो हमें फिंगरप्रिंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। बैक के अंदर ट्रिपल कैमरा का सेटअप रहेगा और 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है। और इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी भैया 23,990 रुपये। प्राइस जो है हीलियो P70 को देखते हुए बहुत ज़्यादा प्राइस है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है शाओमी को लेके। शाओमी जो है अपने दो फ़ोन लेके आ सकता है एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। और इसी के साथ हमें इन दो फ़ोनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसके नाम है MIA3 और MIA3 Lite। इनके अंदर जो है MI की जो A सीरीज़ है ये कैमरा स्पेसिफिक सीरीज़ है, तो हो सकता है हमें इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिले। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आता है भैया नोकिया की तरफ से। नोकिया ये तुमने क्या किया, और नोकिया नॉर्वे के अंदर नोकिया के जो है कुछ सामने आया है कि नोकिया जो बेसिकली नोकिया 7 Plus जो फ़ोन है इनका जो डेटा है वो चाइना के सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा था, और नॉर्वे की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो भैया नोकिया जो है उसका इंडिया के अंदर काफ़ी ट्रस्ट एक नोकिया के ऊपर बना हुआ है। यदि ऐसी कोई हरकत यदि इंडिया के अंदर सामने आती है नोकिया की, तो जो है वो ट्रस्ट है वो बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आता है ओप्पो रेनो को लेके। तो भैया रेनो जो है एक बेसिकली एक लाइनअप होने वाला है ओप्पो का, जिसके अंदर कुछ फ़ोन हमें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो है अभी तक 6 फ़ोन जो है वो लिस्ट हो चुके हैं। इसके अंदर रेनो यूथ, रेनो प्रो, रेनो जूम, रेनो प्लस और रेनो लाइट। तो देखते हैं इनके अंदर क्या क्या होता है। जो रेनो प्रो है इसके अंदर जो मेरे को लगता है सारे स्पेसिफिकेशन हमें मिल पाएंगे, थोड़ा सा प्रीमियम फ़ोन ये हो सकता है। रेनो जूम है इसके अंदर ये कैमरा स्पेसिफिक होगा, इसके अंदर जो है जूम के ऊपर जो है कैमरा जो 10x जूम आने वाला है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। और रेनो यूथ है ये हो सकता है कोई बजट फ़ोन हो, बाकी देखते हैं अभी इसके बारे में। 10 अप्रैल को ये लॉन्च होगा तो हमें पता चल ही जाएगा कि क्या होगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही टेक न्यूज़ लेके आते रहते हैं। नीचे आपको जो है सब्सक्राइब बटन नीचे आपको मिल जाएगा, और पास ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगले अपडेट की यदि बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है वी चैट को लेके। भैया जैसे कि हम यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, वैसे चाइना के अंदर यूज़ होता है वी चैट। हम यहाँ पे वी चैट यूज़ नहीं करते, चाइना के अंदर व्हाट्सएप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो वी चैट जो कंपनी है ये वी चैट पे जो है पेमेंट सर्विस इंडिया के अंदर लेके आने वाली है। UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस होने वाली है ये। इसके अंदर काफ़ी बैंकों के साथ टाई अप भी हो चुका है, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक के साथ जो है टाई अप हो चुका है। ये टेंसन कंपनी है जो काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट लेके आती रहती है। तो और ये चाइना बेस्ड कंपनी इंडिया के अंदर जो है पेमेंट सर्विस लेके आने वाली है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? मेरे को तो लगता नहीं है, थोड़ी टेंशनदायी होगी टेंशन, बाकी देखते हैं क्या रहता है इसका। आप बताइए ज़रूर कमेंट में हमें लिख के कि इसके बारे में आपका क्या विचार है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट भैया जो है शाओमी अपना टीवी ले आया तो फिर हुआवे के पीछे रहे। तो हुआवे जो है वो टीवी लेके आने वाला है अपनी, बेसिकली 55 इंच और 65 इंच के ये टीवी होने वाले हैं। और इसके अंदर हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलेगा, 5G सपोर्टेड होंगे, और ये शायद सेकेंड हाफ जो है 2019 के अंदर ये लॉन्च हो जाएंगे। ये जो है प्रीमियम टीवी होने वाला है।
और ओनर भी अपने टीवी लेके आने वाले जो कि बजट टीवी रहेगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है नेटफ्लिक्स को लेके। तो भैया नेटफ्लिक्स जो है ये सबसे महंगी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है में से एक है, जिसकी 500 800 रुपये 1000 रुपये ऐसे इनके प्राइस हैं। तो अभी जो है नेटफ्लिक्स ने अपने प्राइस को आधा करते हुए एक जो है नेटफ्लिक्स मोबाइल के लिए एक 250 रुपये का पैकेज जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन 250 रुपये भी ज़्यादा है भैया, हम तो यूट्यूब से काम चल जाता है। आप बताइएगा ज़रूर, क्या आप भी कोई स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं जिसके लिए आप पे कर रहे हो 100 200 रुपये या 250 रुपये 500 रुपये पर मंथ? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और क्या आपके विचार हैं उसके बारे में। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है हुआवे P30 को लेके। तो भैया हुआवे P30 की सीरीज़ के अंदर हमें शायद 3D कैमरा हमें देखने को मिल सकता है, बाकी तो फ़ोन हाथ में आने के बाद ही पता चलेगा भैया क्या देखने को इसके अंदर हमें मिलता है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आता है अमेजोन की तरफ से। भैया अमेजोन जो है वो अमेजोन की वेबसाइट पे भी आपको ऐड देखने को मिलेंगी और अमेजोन जो है ऐड के ऊपर अपना काम कर रहा है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट है भैया आईपीएल के लवर्स के लिए, जो आईपीएल मैच जो है देखना पसंद करते हैं। बीएसएनएल जो अपने दो प्लान लेके आ रहा है, 199 रुपीज़ और 499 रुपीज़ के प्रीपेड प्लान लेके आ रहा है, जिसके अंदर आपको फ्री एसएमएस अलर्ट आपको मिलेगा आईपीएल 2019 के बारे में। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है OnePlus 7 को लेके। तो भैया ये भी जो है बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है OnePlus 7, और इसके बारे में काफ़ी सारे लीक्स जो हैं वो आ रहे थे, और इसके अंदर हमें जो है ग्रेडियंट डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल सकता है। इस टेक न्यूज़ में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यदि हो सके तो वीडियो को, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो लेके आते रहते हैं, और जो पास में जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको जो है आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।